नमस्कार, आप देख रही हैं आपका अपना टेलीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो सुमन इंदौरी की। दोस्तों, सीरियल सुमन इंदौरी की कहानी में आपको देखने को मिलने वाला है एक दिलचस्प सा नज़ारा, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि सीरियल सुमन इंदौरी में अब चंद्रकांत जी के सामने खुल जाएगी देविका की पोल। और क्योंकि यहाँ पर सुमन ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान सुमन हो जाती है सही साबित। जो उसने इल्ज़ाम लगाया हुआ है देविका पर वो सही साबित हो जाता है। ऐसे में पुलिस देविका को गिरफ्तार करेगी तो चंद्रकांत जी के घर की इज्जत तार तार हो जाएगी। ये बात तो सुमन अच्छे से समझती है, इसीलिए सुमन पुलिस से अपनी कंप्लेन वापस लेती है और देविका को जाने देती है और उसके घर की इज्जत बचा लेती है। लेकिन चंद्रकांत जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है देविका की इस हरकत पर, और चंद्रकांत जी देविका को बहुत कुछ भला बुरा सुनाते हैं, उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, जिस बात से देविका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और तो और यहाँ पर चंद्रकांत जी ये भी कहते हैं कि जो तुमने गलती की है उसकी माफ़ी जल्द से जल्द सुमन से मांगो, और तुम्हें माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। सुमन से सीखो, उसने किस में कितना बड़प्पन है, उसको पता है कि घर की मान मर्यादा इज्जत है, इसलिए उसने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया, वरना आज तुम्हारी वजह से हमारी बरसों की कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती, वगैरह वगैरह। अब ये सब सुनकर ना देविका को बहुत गुस्सा आ रहा है सुमन पर, मगर क्या करे, मजबूरी है, अब उससे माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं देविका सुमन के आगे झुकती है, उससे माफी मांगती है और ईगो में भी रहती है, मगर आप अच्छे से जानते हैं कि सुमन से वो इस बात का बदला तो जरूर लेगी, मगर कैसे लेगी ये देखने के लिए हमें जानने के लिए देखना होगा सुमन इंदौरी। इसलिए हम देखते रहेंगे सुमन इंदौरी में देविका का अगला वार सुमन के खिलाफ क्या होने वाला है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप कर लीजिए सब्सक्राइब हमारे चैनल टेलीपीप्स को।